तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक अनदर ब्लॉग में। सुबह का टाइम है और मैं निकल चुका हूँ गाड़ी चलाने के लिए। देखो कैसे धूप जो है खिलखिला रहा है, सूर्य भगवान उग चुके हैं और खेतों की हरियाली भी देखने में बन रही है। देख रहे हैं ना खेतों की हरियाली। खैर ये तो मैं दिख रहा हूँ और ये मैं चल रहा हूँ और मैंने अपना ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पर ये देखो धान जो है कि कैसे एकदम लहा रहे हैं, एकदम हरे हरे जो धान है वो पीले हो जाएंगे। अभी मैं शहर में आ गया हूँ और शहर का पूछो मत भाई साहब, भीड़ भाड़ तो दिख रहा है। यहाँ सिग्नल पे मैं रुका हुआ था, मेरा वीडियो क्यों रुक गया, ये बुरा है। वीडियो रुकना बुरा है, शहर में है मैं हूँ वो बुरा। मार्केट अब पहले जैसा मजेदार रहा नहीं। देखो वीडियो फिर से रुका हुआ है, सिग्नल पे मैं रुका हुआ था। सिग्नल अगर होगा तो मैं यहाँ से बढ़ूंगा। पहले जो 3 महीने पहले जो बाजार था वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब ये 3 महीने से जो बाजार का हालत है, कभी नरम कभी गर्म, बहुत ही बुरा है। मतलब इनकम भी उतनी सही से आई नहीं आ रही है। देखो रोड पे भी उतना भीड़ आपको दिख नहीं रहा है, बट वाकई में भीड़ था। अभी हम लोग सुजाता चौक के पास है मेन रोड, बट क्या है कि हम लोग उधर अभी फिलहाल के तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि नो एंट्री का जो है टाइमिंग है ये। तो अभी मैं सीधा बहु बाजार के तरफ कटूंगा और बहु बाजार के तरफ मेरे को आज जाना है। देख रहे हैं ना वीडियो जो है कि अटक जाने से क्या होता है कि वॉइस को फिर से री वॉइस करना पड़ता है, सेम सेम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं। दोस्तों शहर की जो जिंदगी होती है ना, जानते हैं ना कितना स्ट्रगल वाला होता है। आपको शहर में हर चीज़ में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, हर चीज़ की कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो रेलवे स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा मारा मारी हो रही है, तो वहाँ से सवारी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इनकम थोड़ा सा और गिर गया है। और गाड़ियाँ भी जो है कि बैटरी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इनकम नहीं हो पा रहा। सिग्नल यहाँ से हो गया और मैं सोचा था कि आपसे मुलाकात काफ़ी दिन ना हो जाए, इस वजह से मैं ये शहर का ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ। देखो वीडियो काफ़ी अटक रही है, बहुत ही बुरा होता है जब ऐसा होता है ना, तो बहुत ही गुस्सा भी आता है कि भाई मेरे वीडियो क्यों रुक रही है, वॉइस ओवर कट जा रहा है। ये देखो गाड़ियाँ, ई रिक्शा, ऑटो, सब कुछ एकदम जो है कि लाइन पर लगा हुआ, बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, साइड में ऑटो भी खड़े हैं, पैसेंजर नहीं मिलने पे यही हालत है। हालांकि ये कॉलेज का टाइम है, गौसनर कॉलेज है, तो यहाँ पे बच्चों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चे बैठते नहीं है। ज़्यादातर जो बच्चे होती या बच्चियाँ होती है वो लोग पैदल ही मार देते हैं, सोचते भाई क्या 10-20 रुपये कितना भाड़ा देंगे, तो वो लोग पैदल ही मार देते हैं। तो इसी वजह से देखिए इधर से हम खाली जा रहे हैं, एक पैसेंजर को छोड़ के आए, 100 रुपये मिला था, मोटा मोटी वही बुकिंग 100 रुपये ही मिला, और बाकी छुटपुट आज जो है कि 10-20-30-40-50 का कमाई हुआ। थंबनेल देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का जो इनकम है वो सिर्फ 150 रुपीज़ है। 150 में क्या होता है, ये तो गाड़ी का बिजली बिल ही निकलता है समझिए, और गाड़ी का खर्चा भी निकल पाता है, तो बाकी का खर्चा कैसे मैनेज होगा। लेकिन जैसे तैसे करना पड़ता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं सवारी को लेकर। रूट तो सबके बटे हुए हैं ही, लेकिन फिर भी कोई कोई कमाने के लिए घुस जाता है। मौसम बिल्कुल भी सुहाना और साफ है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी भी आपको देखने में बन रही है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया हम किस ओर जा रहे हैं, किस रूट में आज गाड़ी चला रहे हैं। देख रहे ना बाइक वाले लोग कैसे ओवरटेक कर करके एकदम स्पीड में भाग रहे हैं। बाइक वालों की ड्राइविंग भी ऐसी होती है, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, है ना। तो फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेशन की तरफ से, और यहाँ से राइड भी जो है कि आज राइड कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ज़्यादा अब गाड़ी चलाएंगे नहीं, टाइमिंग हो गया था उस समय, घर जाने का टाइमिंग हो गया था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोग किस किस शहर से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कौन से राज्य से हैं, और कहां से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है या ख़राब लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखो काफ़ी सुहावना मौसम, पेड़ पौधे की जो हरियाली है रोड साइड में वो तो देखने के लिए बनती है, लेकिन अब तो बहुत जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है और रास्तों का काम चल रहा है, तो बहुत सारे पेड़ भी काट दिए जा रहे हैं। ये देखिए अभी हम लोग कौन सा जगह पे पहुंच गए, है कोई आइडिया? अगर आप लोग राशिद हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये देखिए टेम्पू सब भी खाली खाली जा रहा, किसी का भी टेम्पू में उतना भरा हुआ सवारी नहीं है। ये थार वाला भी अचानक से बीच में घुस गया था, मतलब 8 टेम्पो में 2 पैसेंजर, 3 पैसेंजर, कोई 1 पैसेंजर भी लेके दौड़ता है। क्या भी किया जा सकता है, बहुत सारी गाड़ियां हैं ना।
बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसको पैसेंजर जो मिला वो लेके दौड़ते, और मैं भी यहाँ से स्पीड में ही जा रहा हूँ, देख रहे हैं ना मेरी भी गाड़ी एकदम फुल 30 का स्पीड में हम जा रहे हैं। स्लो करने का कोई, स्लो चलने का कोई सीन ही नहीं है यहाँ से। कारण है कि जल्दी से घर पहुँचना है, क्योंकि रेडी होके ड्यूटी भी निकलना है ना, मेन टेंशन तो यही है। देखिए नज़ारों का मज़ा लीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कीजिए। देख रहे हैं ना सारे पेट्रोल टैंकर वगैरह लगे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब का जो आगे का जो वॉइस है वो एकदम क्वाइट क्वाइट चुप चुप देखे और ट्रेंड में बताएं कौन सी यूट्यूबर की वीडियो भी ज़्यादा चल रही है ना। ये देखिए यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ था, वही पैसेंजर को उतारना था हमको, इसी वजह से यहाँ पे गाड़ी हम रोक दिए थे। तब यहाँ पे हम जो है कि वॉइस ओवर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग सिर्फ नज़ारों का मजा लीजिए और आगे का कुछ वीडियो क्लिप में हम वॉइस ओवर करते हैं। दोस्तों ये वाला इलाका जो है कि मॉर्निंग के टाइम पे खाली ही रहता है, उतना रस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर मार्केट का सब्जी वगैरह भी लगता है, चुटिया का मतलब चुटिया थाना के आसपास का, और खाली खाली समय में शॉपिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये कार वाला बीच में घुसा दिया, ये कार वाला भी लोग क्या समझता है, जहाँ मन वहाँ घुसा देता है। अभी ठोकते ठोकते गाड़ी ठुका ही जाता है कि जानते ना, ये रुकते मतलब ब्रेक है भी नहीं होता है, ब्रेक मारिएगा यहाँ तो लगेगा वहाँ। ये देखिए ये सब सब्जी वाले लोग सब्जी बेच रही है, यहाँ पे PCR है, पुलिस का गाड़ी वाड़ी सब खड़ा हुआ है। चुटिया थाना यहीं पे है, माहौल एकदम यहाँ का बढ़िया रहता है, साफ सुथरा। अभी तो कोशिश करते हैं कि यही रूट में थोड़ा सा कमाई निकल जाए, और यही रूट में कमाई निकल जा रहा, थोड़ा परेशानी भी कम है, कमाई निकल जा रहा तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी देखिए इस वाले रूट में जा रहे हैं, स्टेशन वाले रूट में, हालांकि हम तो अंदर जाते थे लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतना सवारी मिल नहीं रहा, और 2-3 महीनों से गाड़ी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है स्टेशन के, तो क्या होता है कि पुलिस वाला लोग भी पकड़ता है और वो लोग गाड़ी वाला लोग का आपस में लड़ाई भी बहुत होता है। क्योंकि जब से टोटो आया है ऑटो वाला का कमाई मर गया है, कम भाड़ा पे भी 20 की जगह में 10 में ले जाता है टोटो वाला लोग, 100 की जगह में 50 में भी ले जाता है, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कमाई जो है कि पूरा बट गया है थोड़ा थोड़ा। रांची में भाड़ा बहुत ज़्यादा है लेकिन उससे ज़्यादा गाड़ी हो गया है, एक ठो सवारी रहेगा और इसके पीछे 4 गाड़ी रहेगा। देखिए के कार वाला भी बीच में घुसा के निकाल लिया। अब यहाँ से गाड़ी मोड़ेंगे और गाड़ी मोड़ के थोड़ा देर वेट करेंगे, पैसेंजर मिला तो ठीक है, रोड तो खाली दिख रहा, कोई स्टेशन की तरफ से आता दिख नहीं रहा है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ से सीधा फिर गाड़ी लेके हम लोग निकल जाएंगे। देखिए यहाँ से गाड़ी हम टर्न बैक करके मोड़ ले रहे हैं। बाकी बात तो वैसा उम्मीद नहीं लग रहा कि आज गाड़ी मतलब तो पैसेंजर मिलेगा। एक देख रहे हैं ई रिक्शा बहुत दिन से लगा हुआ है यहाँ पे, लग रहा है इसका मालिक लगा के कहीं पे गया हुआ है। ये देखिएगा कितना ई रिक्शा पार होगा, टेम्पू आपको वहाँ पे एक ठो लगा दिखेगा ना, लेकिन ई रिक्शा जो है कि कंटिन्यू कितना ई रिक्शा सामने से पार हो गया। ये होटल के पास लगाते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं पैसेंजर, नहीं यहाँ से हम चले गए, लगाए नहीं गाड़ी क्योंकि रोड खाली था, रोड पे बिल्कुल भी पैसेंजर नहीं दिख रहे थे, तो आगे में रोके हैं, देखते हैं कुछ अगर मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो कैमरा निकाल रहे हैं यहाँ से। रिकॉर्डिंग ऊपर हो गया था, ओवर हो गया था, इस वजह से कैमरा निकाल रहे हैं, कैमरा निकालेंगे और फिर यहाँ से सीधे हम लोग चलते बनेंगे। देख रहे हैं आज का ब्लॉग ऐसा ही रहा, तो एक बार फिर से बोलना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बार बार बोलना पड़ता है लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए लड्डू का स्कूल आ गए हैं और लड्डू का स्कूल में लड्डू का वेट हम कर रहे हैं, टाइमिंग जब होगा आज तो पहले ही हम आ गए, आधा घंटा पहले आ गए हैं। अभी कुछ कुछ जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनका छुट्टी हो रहा है तो वो लोग जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, वो देख रहा था कि मेरे कैमरों को देख रहा था कि ये क्या है, और ये मुझसे बातें भी कर रहा था। मैंने उसे कैमरे भी दे दिए कि लो भाई तू आज रिकॉर्डिंग कर, तो वो बच्चा भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। देखिए अभी तो कैमरा मेरे ही हाथ में है, अभी देखिए ये बच्चा बहुत गौर से देख रहा था, तो मैंने कैमरा उसे दिया था, तो बच्चा से मैंने पूछा तो काफ़ी क्यूट जवाब दे रहा था, अपना नाम बताया। वो अपने भाई को लेने आता है, बड़ा भाई है उसका, ये छोटा है, तो अपने भाई को लेने आता है। देखो मैंने कैमरा उसको दे दिया, कैमरा वो पकड़ा हुआ है, बातें भी कर रहा था और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। अब देखिए ये बच्चा तो बार बार कैमरा पकड़ रहा था, अब देखिए उसका छोटा सा हाथ में ये छोटा सा कैमरा हम पकड़ा दिए, ये देखिए अब पकड़ा दिए,
अब यहाँ पे हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा था, बात भी कर रहा था और कुछ कुछ बोल भी रहा था, बता भी रहा था। हम बोले ठीक है भाई चलो, छोटे बच्चा लोग का उत्सुकता ज़्यादा रहता है ना नया नया चीज़ को लेके। अभी देखिए उसी के हाथ से जो भी रिकॉर्डिंग है, ये सब कैमरा हिला हिला के पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ये देखिए। हम बोले कि ठीक है तुम मेरा वीडियो बनाओ, हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से हम मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लग गए थे। बच्चा काफ़ी होशियार था, आजकल का बच्चा जानते हैं ना, निजोरेसर बहुत तेज हुआ। वहाँ खिड़की से अपने दादा को आवाज़ दे रहा था, दादा दादा दिखा रहा था कि देखो मेरे पास क्या है, कैमरा है। हम बोले वाह, बच्चा लोग बहुत होशियार होता है, कम उम्र में आजकल बहुत एक्टिव हो जाता है, कम उम्र में बहुत कुछ जान जाता है, बच्चा लोग तो होशियार